एक तरफ गाजा के रफा में हमास के खिलाफ बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर आईडीएफ हिजबुल्ला की काट नहीं निकाल पा रहा है। हिजबुल्ला लगातार इजरायली सैन्य चौकियों, उसके टैंक और जासूसी उपकरणों पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से इसराइल को अरबों डॉलर की चपत तो लग रही है, साथ ही उसने अपने कई सैनिकों को भी खो दिया है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने एक बार फिर इजरायली सेना को चारों तरफ से घेर कर सिलसिलेवार तरीके से कई हमले किए हैं। दरअसल 7 मई 2024 को हिजबुल्ला ने सबसे पहले आईडीएफ की यफ्ताह मिलिट्री बैरक्स पर कई आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, और इसी दौरान हिजबुल्ला के ड्रोन्स का एक झुंड दक्षिणी रैमनॉट नफ्ताली बैरक्स में इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पर टूट पड़ा, जिसकी वजह से आयरन डोम की बैटरीज को भारी नुकसान हुआ है। और इस हमले के बाद दोपहर करीब 1:15 पर हिजबुल्ला ने पहले तो इजरायली पैदल सेना की आवाजाही पर निगरानी रखी, और इसके बाद जैसे ही वो अल रहब मिलिट्री साइट में बंकर में जाने लगा, वैसे ही हिजबुल्ला ने उनके ऊपर एंटी गाइडेड मिसाइल से हमला कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसका हमला टारगेट पर एकदम सटीक लगा है। और इसके 1 घंटे बाद ही हिजबुल्ला ने फिर से एआई सुमक्का मिलिट्री साइट पर आईडीएफ पर एक और हमला कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि ये इलाका कब्जे वाले लेबनान के कफार चौबा हिल्स का है, और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ इजरायली सैनिकों पर एक और बड़ा हमला कर दिया। दरअसल ये हमला उन सैनिकों पर हुआ जो नफ्ताली बैरक्स में आयरन डोम की बैटरी को चेक करने के लिए आए थे, जो हिजबुल्ला के हमलों में क्षतिग्रस्त हुई थी। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने यहां आईडीएफ के जवानों पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सीधा हमला किया है, जिसमें कई इजरायली सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। और इस हमले के बाद हिजबुल्ला यहीं नहीं रुका, उसने जिबडीन मिलिट्री बैरक्स पर करीब 3:15 पर एक और हमला कर दिया। अब आपको बता दें कि जिबडीन मिलिट्री सैन्य अड्डे कब्जे वाले शीबा फर्म्स में है, और इस इलाके में मनारा सेटलमेंट में हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर धनाधन गोले फायर कर दिए थे। वहीं मेतुला सेटलमेंट में हिजबुल्ला ने 2 बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की, जिनका इस्तेमाल इजरायली सैनिकों द्वारा किया जा रहा था। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने इस हमले के साथ ही मनारा सेटलमेंट में 1 बिल्डिंग को तबाह कर दिया। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल इजरायली सैनिकों हिजबुल्ला के खिलाफ जासूसी में कर रहे थे, और इसको लेकर हिजबुल्ला का कहना है कि इस बिल्डिंग पर उसका हमला एकदम सटीक हुआ है, जिसमें ये इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लेकिन इन हमलों के बीच बड़ा सवाल यह है कि जिस आक्रामकता के साथ हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर हमला कर रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तरी इसराइल का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां पर हिजबुल्ला ने हमले ना किए हो, और हिजबुल्ला ने इन हमलों के बीच आईडीएफ रफा में अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हिजबुल्ला से निपटने के लिए इसराइल को अपनी सैन्य ताकत को 2 फ्रंट में बांटना होगा, पहली रफा में और दूसरी लेबनान बॉर्डर पर।